कभी रोई आप? बहुत रोई। किस बात पे? किसी की बेबसी पे और फिर उस पर अपनी बेबसी पे। शाम कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ये ख्याल रुलाता है ना, बेबसी रुलाती है, बेबसी रुलाती है कि क्यों नहीं कुछ आप कर सकते। मुझे रंज होता है, बहुत छोटी सी बात का रंज बताती हूँ जिस पे मैं शायद घंटों रोई चुपके। हमारे घर एक बच्ची आई 14-15 बरस की होगी, जो एक खातून मेरे घर में कभी मेरी मदद करने आती है उसके साथ। तो मैंने उसको कहा कि इसको खाना खिलाओ। मेरा एक छोटा सा दस्तूर है कि मेरे घर में जो भी आए, अगर खाने का वक्त है खाना खा के जाए, नहीं है तो कुछ चाय शरबत कुछ चीज़ जो भी कुछ मामूली। उस बच्ची को खाना दिया, उसने एक रोटी खाने के बाद हाथ खींच लिया। और आपको खबर है हमारे घरों की रोटियां छोटी होती हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम और खा लो, तुम कहती नहीं बस जी, मुझे रोज भी इतनी मिलती है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ। बहुत से घर वाले होंगे, बहुत सा आटा नहीं आ सकता होगा, उतना ही आता होगा कि सब एक एक रोटी खाते। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, गुर्बत मिटा देना। नहीं, आप सिर्फ एक बात की कमी है, एतबार की। और ये हमारी स्टेट के पास पावर है कि कोई भी शख्स खाली पेट ना सोए, ये है पावर। ये रियासत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, पर रियासत को ये जिम्मेदारी नजर नहीं आती। नहीं, सोई भी। मैं वाकई रोई, और किस बात पर रोई कि आरिफा सैयदा, तुमने कभी जिंदगी में, तुमने तुम्हारे घर वालों ने या तुम्हारे जानने वालों ने दूसरे लम्हे ये नहीं सोचा कि बस मुझे इतना ही खाना, इतना ही खाना है, ये तकलीफ थी। और क्या, एक सालन एक रोटी,